नमस्कार, आप देख रहे टीवी 100 और मैं आपके साथ हूं हिमानी। मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दे की हत्या मामले में दो आरोपियों करनेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए गोकुल दास तेजपाल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी को केस में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। हत्या के पीछे की साजिश और अन्य संभावित कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बांद्रा स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में हाल ही में दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ठाकरे की यह मुलाकात राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात को सहयोग और संवेदनात्मक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। हालांकि मुलाकात के उद्देश्य पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। भले ही चुनाव आयोग ने अब तक इन उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से आमने सामने नजर आ रही है। इन उपचुनावों के लिए राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह वही उत्तर प्रदेश है जिसने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी बहुमत दिलाया था। उपचुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने रविवार यानी 13 अक्टूबर को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य शीर्ष नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। इस बैठक में उपचुनावों में टिकट बंटवारे और रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीजेपी के लिए यह उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह पार्टी के लिए अपनी खोई हुई पकड़ को फिर से मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। पार्टी ने 2024 के चुनावों में बहुमत से कुछ पीछे रह जाने के बाद अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने के लिए इन उपचुनावों को महत्वपूर्ण माना है। बीजेपी इन 10 सीटों में से अधिकतम सीटें जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदर की गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंजुआ और सीसामऊ जैसी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि बीजेपी के पास 3 और एक एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारा झटका दिया था, जिससे बीजेपी की स्थिति कमजोर दिखी थी। समाजवादी पार्टी इन उपचुनावों को अपने लिए एक मौका मान रही है और पार्टी की रणनीति राज्य में बीजेपी की सत्ता को चुनौती देने की है। सपा के लिए भी यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपनी जमीनी पकड़ को और मजबूत करने का सुनहरा मौका देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये उपचुनाव एक प्रकार की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने बीजेपी को चौंका दिया था, जिससे राज्य में बीजेपी की स्थिति कमजोर हो गई थी। अब इन उपचुनावों के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को साबित करना होगा कि उनकी सरकार की नीतियां और कामकाज जनता के बीच लोकप्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पार्टी के लिए यह एक अवसर है कि वह उपचुनावों में जीत के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरे और राज्य में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन उपचुनावों का असर न केवल राज्य की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि इसका सीधा असर 2024 के आम चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी बहुमत दिलाया था, लेकिन 2024 में सपा और अन्य विपक्षी दलों के बढ़ते प्रभाव के कारण बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई है। इसलिए यह उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी परीक्षा है।
पार्टी इन उपचुनावों में जीत दर्ज करके अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी इन उपचुनावों को राज्य में बीजेपी को चुनौती देने के एक बड़े अवसर के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव राज्य की राजनीति में अहम मोड़ साबित हो सकते हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही दल इन चुनावों को अपने लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बीजेपी के लिए यह उपचुनाव 2024 के आम चुनावों से पहले एक बड़ी चुनौती है, जबकि सपा इसे अपने लिए एक सुनहरा मौका मान रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन उपचुनावों में किस पार्टी को सफलता मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में पहुंच गए हैं, जहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आगामी उपचुनावों को लेकर दोनों दलों में हलचल बनी हुई है। चलिए रुख अगली बड़ी खबर की तरफ करते हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके के खैरवाड़ी सिग्नल के पास शनिवार रात 9:30 बजे एक सनसनीखेज घटना हुई, जिसे पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 शूटरों ने सिद्दीकी पर जानलेवा हमला किया, जब वे अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। हमलावरों ने एक कार से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर ही सिद्दीकी की मौत हो गई। हमलावरों ने अत्याधुनिक 9.9 mm पिस्टल से कुल 6 गोलियां चलाई। इनमें से 3 गोलियां सिद्दीकी को लगी, जबकि 1 गोली उनके साथ मौजूद व्यक्ति के पैर में लगी। घटना के तुरंत बाद सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 11:27 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इलाके में उस वक्त स्ट्रीट लाइटें बंद थी और घटना स्थल पर कोई CCTV कैमरे भी नहीं थे, जिसे पुलिस को जांच में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हमले के कुछ समय बाद विश्नोई गैंग ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और सिद्दीकी को उनके खिलाफ किए गए अपराधों का खामियाजा भुगतने की बात कही गई। विश्नोई गैंग पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रह चुका है, जिससे मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई है। पुलिस ने इसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूप में पुष्टि की है। मुंबई पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों की पहचान की है, शिव धर्मराज और गुरमेल। धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शिव अभी भी फरार चल रहा है। शिव को ही हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। शिव और धर्मराज उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं गुरमेल हरियाणा का निवासी है और पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है। गुरमेल ने अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी और जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गया। जमानत मिलने के बाद वह मुंबई चला गया और वहां बिश्नोई गैंग की गतिविधियों में शामिल हो गया। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1), 109, 125 और 35 के तहत मामला दर्ज किया है। सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चला। उनका शव अब बांद्रा स्थित उनके आवास मकबा हाइट्स में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। शाम करीब 7 बजे मकबा हाइट्स में मगरिब की नमाज के बाद रात 8:30 बजे मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में उनका सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस मामले में प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट कर दुख जताया है। राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी दुखद है। इसकी न केवल जांच होनी चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार कर सरकार के पद से हटना भी चाहिए। बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। वहीं सांसद सुप्रिया सुले ने भी ट्वीट किया है, चौंकाने वाली खबर, बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, कथित तौर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। सत्तारूढ़ सरकार के गठबंधन का एक सदस्य अपने ही बेटे के कार्यालय में असुरक्षित नहीं है और उसकी हत्या कर दी जाती है, वह भी मुंबई में या महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर बात करें भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की, तो उन्होंने ट्वीट कर कहा कि NCP नेता बाबा सिद्दीकी की दुखद हत्या के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ।
ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूर्ण गिरावट को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय भी होना चाहिए। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स ग्राउंड किच्छा में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत की है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही। धामी ने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने कहा कि देवभूमि के लोगों ने इस कानून के लिए वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दिया था और हम इसे जल्द ही लागू करेंगे। धामी ने भरोसा दिलाया कि यह कानून राज्य में सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं है और इस तरह की अफवाहों को खारिज किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी समुदाय के खिलाफ जाकर काम करेगा। उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम बताया जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और जिम्मेदारियों का प्रावधान करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने अपने भाषण में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने हाल ही में हल्द्वानी में हुए दंगों का उल्लेख करते हुए कहा, हमने हल्द्वानी में दंगाइयों को सही जगह भेजा, जिससे साफ हो गया है कि राज्य सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जो राज्य की शांति और सुरक्षा भंग कर रहे थे। धामी ने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड सरकार शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग सरकारी भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें इसके लिए मुआवजा देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर नुकसान पहुंचाने वाले को सख्त भरपाई करनी होगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार भूमि पर अवैध कब्जे और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंड जिहाद और स्पिट जिहाद जैसी गतिविधियों पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, लैंड जिहाद और स्पिट जिहाद अब उत्तराखंड में नहीं चलेंगे। ये विवादास्पद शब्द आमतौर पर अवैध भूमि अतिक्रमण और सामुदायिक असंतोष फैलाने की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। धामी ने जोर देकर कहा कि ऐसी प्रथाओं को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कानून के शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धामी ने बताया कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है, उन्हें इसका मुआवजा देना होगा और उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा में आयोजित इस नागरिक अभिनंदन समारोह के माध्यम से राज्य के नागरिकों को यह संदेश दिया कि उनकी सरकार राज्य में कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और सभी के लिए समान नागरिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके द्वारा किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के जल्द लागू होने के ऐलान ने राज्य में एक महत्वपूर्ण कानूनी और सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। उत्तराखंड देवभूमि को यह गौरव प्राप्त हो गया है। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बनने के बाद बहुत जल्द लागू होने वाला है, एक्ट के रूप में लागू। और तो हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, हम किसी के पक्षपात के लिए भी नहीं लाए, सबकी समानता के लिए हम लेकर आए हैं। भाई बहनों, और इसका मैंडेट, इसका ये जनादेश हमको उत्तराखंड की देवभूमि जनता ने दिया था। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले 8 फरवरी 2024 को एक बड़ा धंधा करने की कुछ लोगों ने साजिश करी थी।
आदमी नहीं तोड़ तोड़ करने की कोशिश करी। हमने उस समय तक का जो कानून व्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए जरूरी काम है वो किया, और जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम देने का काम किया, आक्रमण करने का काम किया, उनकी जहां जगह होनी चाहिए उस जगह पर हमने उनको भेजने का भी काम किया।